श्री शिवानमस्तुभ्याम हर हर महादेव। कैसे हो दोस्तों? दोस्तों आज हम आपके लिए पौष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का एक विशेष उपाय लेकर आए हैं। हम आपको बता दें कि यह अष्टमी तिथि बहुत ज़्यादा विशेष रहने वाली है क्योंकि यह गुरुवार को आ रही है। ऊपर से यह साल की पहली अष्टमी है जो कि गुरुवार को आने वाली है और साथ साथ में हस्त नक्षत्र में आने वाली है। इस हम आपको ये भी बता दें कि इस दिन हस्त नक्षत्र में सुकर्मा योग का अतिगंड योग के साथ मिलन होगा लंबे समय के बाद, जिसकी वजह से अष्टमी तिथि बहुत ज़्यादा विशेष रहेगी। तो आपने इस विशेष दिवस पर एक विशेष उपाय अवश्य कर लेना है ताकि आपके जीवन की समस्याओं का समाधान हो सके। हमारे चैनल पर रोज ही 3 से 4 उपाय डलते हैं ताकि आपकी जीवन की समस्याओं का समाधान हो सके। तो आपने कोई भी एक विशेष उपाय इन उपायों में से ढूंढ कर आपने कर लेना है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जो आपके लिए उपाय लेकर आए, इस उपाय को करने से आपकी कामनाओं की पूर्ति होगी। यदि आपने कोई कामना आपकी अधूरी है, लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं और वह प्रयास करने के बाद भी आपको कोई फल नहीं मिल रहा है, तो आपने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इस विशेष उपाय को अवश्य कर लेना है। इस उपाय को उन लोगों ने भी अवश्य करना है जो कि लंबे समय से उनका कोई काम अटका हुआ है। आप कोई काम कर रहे हैं किंतु उसमें अड़चनें बहुत आ रही हैं, सफलता की प्राप्ति हो ही नहीं रही है, तो आपने उस रुके हुए काम को आगे बढ़ाने के लिए, सफलता की प्राप्ति के लिए इस उपाय को अवश्य कर लेना है। तो आइए बिना किस देरी के इस उपाय को समझ लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, हमारे चैनल पर प्रदीप मिश्रा जी के उपाय बताए जाते हैं जिनको हम एक एनिमेशन वीडियो तैयार करके आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे किस प्रकार से आपने इस उपाय को करना है ताकि किए गए उपाय का आपको 100% फल मिल सके और साथ साथ में आप उपाय को सही ढंग से कर भी सके, क्योंकि गलत उपाय करने से दोष भी लगता है और उपाय करने के बाद आपको फल भी नहीं मिलता है। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखकर आपने इस उपाय को समझ लेना है। हम आपको बता दें कि प्रदीप कुमार मिश्रा जी ने इस उपाय को कथा में बताते हुए यह कहा था कि जिस भी इंसान की कोई कामना लंबे समय से अधूरी हो, उस दुर्लभ कामनाओं की यदि वह पूर्ति कराना चाहते हो तो इस उपाय को अवश्य कर लेना है, क्योंकि यह शिव पुराण का रामबाण उपाय है, एक महा उपाय है और एक प्रभावकारी उपाय है। तो आपने इस अष्टमी पर इस विशेष उपाय को अवश्य कर लेना है। तो आइए इस उपाय को समझ लेते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक अक्षत का दाना ले लेना है, साथ में आपको जरूरत होगी एक बेल पत्थर की। इसके साथ ही आपको एक लोटा जल लेना है जो कि तांबे के लोटे का ही होना चाहिए। और अब इन सामग्रियों को लेकर आपने पहुंच जाना है शिवालय। अब सबसे पहले आपने यह जो एक अक्षत का दाना लिया है आपने महादेव पर समर्पित कर देना है। उसके बाद आपके पास जो यह बेल पत्थर होगा आपने महादेव पर समर्पित कर देना है, किंतु समर्पित इस प्रकार से करना है, आप जिस भी दिशा में खड़े होकर आप इस उपाय को कर रहे होगे, इसकी डंडे का भाग आपने अपनी ओर कर लेना है। यदि आप यह उपाय उत्तर दिशा में खड़े होकर कर रहे होगे तो आपने उत्तर दिशा की ओर डंडी कर देनी है। यदि आप दक्षिण दिशा में खड़े होकर आप यह उपाय कर रहे हो तो आपने दक्षिण दिशा की तरफ कर लेनी है। आप किसी भी दिशा में खड़े होगे उस तरफ आपने इस बेलपत्र की डंडी को कर देना है। उसके बाद आपके पास जो यह एक लोटा जल है आपने कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अपने जीवन की समस्या नाम गोत्र लेकर आपने कह देनी है। केवल इतना मात्र करने से आपकी दुर्लभ से दुर्लभ कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। जिस काम में आपको बार बार असफलता की प्राप्ति हो रही थी तो आपको शीघ्र ही सफलता की प्राप्ति हो जाएगी। जानकारी अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कॉमेंट सेक्शन में हर हर महादेव और शीश वायन मस्तु भी हम की हाजिर गाना ना भूलेगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए सुंदर सुंदर वीडियो बनाने के लिए। शीश वायन मस्तु भी हम हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में।